लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। इसी दरमियान जांजगीर के कलेक्टरेट में नामांकन दाखिल करने पहुंचे दिव्यांग अरविंद कुमार पंकज और प्रस्तावक बने दूल्हे अभिषेक ने लोगों का ध्यान खींचा। दरअसल मरकाडी के दिव्यांग अरविंद कुमार पंकज ने नामांकन दाखिल किया तो प्रस्तावक उनके भाई अभिषेक बने, जिनकी आज शादी है। नामांकन के दौरान दूल्हे के वेशभूषा में अभिषेक पहुंचा, फिर नामांकन के बाद बारात जाने के लिए सभी लोग रवाना हुए। कलेक्टरेट में दिव्यांग मतदाता के साथ दूल्हे ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और दिव्यांग अरविंद कुमार पंकज के नामांकन, प्रस्तावक दूल्हे अभिषेक की चर्चा होती रही। मीडिया से बातचीत में दिव्यांग अरविंद कुमार पंकज का कहना है कि सरकार द्वारा दिव्यांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है ताकि दिव्यांगों के लिए कुछ कर पाए। आपको बता दें, दिव्यांग अरविंद कुमार पंकज समाज सेवा में 48 बार रक्तदान कर चुका है और स्वच्छता कार्य में भी सक्रिय रहते हैं। साहब, चुनाव लड़े के कोई वो मंशा नहीं रहते, लेकिन सरकार सब कोई ला कुछ कुछ देते, महतारी वंदन योजना देते, कांग्रेस वाला ना कुछ देते 1,00,000 रुपया, और विकलांग मतलब 350 रुपये देते, उस तक हम तो कोई जगह बैठबो तो ज़्यादा पैसा मिल जाए, लेकिन सरकार कुछ देते नहीं। सरकार से एक चुनौती टाइप के लड़ाई लोकसभा जाए लड़त हो, और मैं कुछ चुनाव लड़े के मनसा नहीं रही से, लेकिन सिर्फ एक सरकार ला मैसेज दे भाई पहुँचाए। ये छोटे भाई है, अब इसे समय में चुनाव होगी, इसके कर पहली के शादी तय हो गई इसे, और अच्छा लगन भी लगी तो दूल्हा के साथ पछतावा के तो आके नामांकन डाले साहब। मैं भैया के संग माँ होकर अगर भाई हूँ छोटे, प्रस्तावक बन के आए हैं वहाँ। मैं चुनाव लड़े के वही नहीं दिखे, लेकिन अगर समस्या देख के सरकार में चुनौती बना, एक बार मैं बरात जाऊँ।